संदेश हो चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले अगस्त 2018 की शाम एक ऐसी शाम बनी जब देश को लगा कि उसकी धड़कन रुक गई और कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन की खबर आई। एक उस समय ऐसा लगा कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कल जैसे ही यह खबर अटल जी की मौत की खबर सभी समाचार चैनलों ने दिखाना शुरू किया, पूरा देश गम के बादलों से घिर गया, पूरे देश की आंखें नम हो गई। आज 17 अगस्त को उनके अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है और देश के हर कोने में, हर हिस्से में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। आज इसी क्रम में सिवान रेड क्रॉस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ अटल जी की तस्वीर रखी हुई है। सभी लोगों ने एक एक करके अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किया है। हम बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आज इस अपूर्णीय क्षति पे। सर क्या कहना चाहते हैं, अटल जी की मौत हो गई है, पूरा देश गमगीन है, आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? अटल जी की क्षति इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जैसा व्यक्तित्व आदमी, व्यक्तित्व वाला कोई भी आदमी न हुआ है, न लगता है कि होगा। वो एक अच्छे कवि, अच्छे राजनीतिक, कुशल शासक, जो भी फील्ड हो उसमें वो टॉप पे रहते थे। और देश के प्रति जो उनका लगाव था, उनकी एक कविता थी दो लाइन की, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, मगर यह देश हमेशा रहेगा। तो देश के प्रति ये भावना जो रखता हो, उस आदमी के मृत्यु से, स्वर्ग लोक में जाने से हमें बड़ी क्षति हुई है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर उनके थॉट, उनके विचारों को हम लोग कुछ ही, बहुत तो नहीं धारण, लेकिन अगर कुछ भी धारण करें तो इस देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही। रेड क्रॉस के अध्यक्ष महोदय से अभी हमारी बातचीत हो रही थी। कल से जिस तरह से, जैसे ही ये खबर आई, ये दुखद खबर आई और अटल जी के एक एक बात को सभी चैनलों पे जिस तरह से प्रसारित किया जा रहा है, उनके एक एक बात को आज उसके मायने देखे जा रहे हैं कि वो कितने जीवन में कितने सार्थक वो शब्द थे, आज उसको धारण करने की जरूरत है। जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि उन्होंने सदन में कहा था कि पार्टियां बनेंगी, पार्टियां टूटेंगी, नेता आएंगे, नेता जाएंगे, कई तरह की राजनीतिक उतार चढ़ाव भी होगा, लेकिन देश को अटल रहना चाहिए और आज इसकी इतनी ज़रूरत है कि देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो सब कुछ नहीं। हम बात करेंगे, यहाँ रेड क्रॉस के पदाधिकारी हैं राजीव रंजन जी, अधिवक्ता भी हैं। राजीव जी, आज एक अटल युग का, कहा जा रहा है कि एक अटल युग का अंत हो गया है। सर्वप्रथम आपके चैनल से हम इस शोक को, शोक सभा का जो हमारा जो उद्देश्य था, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कवर किया। और जो स्थितियां आज पैदा हुई हैं, अटल जी
जिन मूल्यों को लेकर चले और अपनी जिंदगी को उन्होंने अपने शर्तों पर दिया, आज उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का को धारण किया है। जो व्यक्ति 15 अगस्त को देश का झंडा झुकने नहीं दिया और 16 अगस्त को उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरण किया, यह सबसे बड़ी बात है। और आज आवश्यकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जाने, आपके चैनल के माध्यम से जाने, पाठ्यक्रम के माध्यम से जाने कि ऐसा व्यक्ति जो अब राजू जी, हमें तो लगता है कि जिस तरह से जैसी बातें उनके एक एक शब्द जो सामने आ रहे हैं उस पर शोध करने की जरूरत है, उसको जीवन में धारण करने की जरूरत है। निसंदेह अटल जी शोध के विषय हैं। और आपने देखा भी होगा, आप लोग चैनल में है, आप लोग देखा भी होगा कि कभी भी उन्होंने मूल्यों से सत्ता के लिए समझौता नहीं किया, या एक वोट से सरकार गिरी लेकिन समझौता नहीं किया। यही आवश्यकता है जन जन को जानने की, ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व को लोगों के बताने की कि ऐसे भी व्यक्ति यहाँ पर हुए और इनकी भरपाई आगामी आने वाले दिनों में संभव ही नहीं है। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आज अटल जी हम लोगों के बीच नहीं है, पूरा देश गमगीन है, क्या कहना चाहेंगे? अटल जी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में शोक का लहर है। और हम तो यही कहेंगे कि स्वर्ग लोक में भगवान के दरबार में खुशी का माहौल है, क्योंकि एक फरिश्ता वहाँ पहुँच रहा है। दूसरा हम क्या बोल सकते। देखिए किस तरह से लोग अपनी अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति को कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह के अटल जी कितने बड़े ये थे कि आज उस लोक में, मैंने जैसे कि सर ने बताया कि उस लोक में वहाँ इनकी कमी थी और वहाँ खुशी मनाई जा रही होगी कि बढ़िया एक अच्छा व्यक्ति उनके बीच आया है, ऐसे थे हमारे अटल जी। क्या कहना चाहेंगे, आपके पार्टी के एक अटल नेता थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे पार्टी के तो सर्वमान्य नेता थे ही, लेकिन विरोधी दलों के भी दुलारे थे निस्संदेह। आज पूरा देश उनके लिए शोक मना रहा है, और दल ही नहीं और दल के नेता ही केवल नहीं, वो पत्रकार जगत हो, साहित्य जगत हो, कवि सम्मेलन हो, खेल खिलाड़ी हो, व्यवसायी वर्ग हो, स्वतः आप देखेंगे चैनलों को दिखा रहे हैं कई शहर स्वस्फूर्त बंद है, क्या ही बंदी की घोषणा नहीं हुई है, स्वस्फूर्त लोगों ने प्रतिष्ठान बंद कर दिया, खेल खेलना बंद कर दिया। सबको लग रहा है कि मेरे बीच का रहने वाला व्यक्ति, मेरे लिए चिंता करने वाला व्यक्ति, मेरा अभिभावक इस देश से चला गया, इस दुनिया से चला गया, इसलिए पूरा समाज मार महत है, सबको ये लग रहा है कि मेरा एक अभिभावक चला गया। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में कई नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जिस कद के अटल जी थे, आज उनकी मौत के बाद चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अभी चैनलों पर दिखाई दे रहा था कि लखनऊ के मुस्लिम बिरादरी के लोग बिल्कुल रो रहे हैं, ऐसा नेता क्या अब नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनके लिए भी वो समाज लगातार, आप देखेंगे गुजरात के चुनाव में रक्तदान करते थे उनके लिए, कि मैं रक्तदान करके साबित करना चाहता हूँ कि हम लोग मोदी जी के समर्थक हैं। और कई ऐसे नेता हैं, मैं लंबी श्रृंखला है। हाँ ये है कि अभी चूँकि उनके मौत के बाद ये सब विषय निकल के आते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के बहुत सारे विषय नहीं मालूम होते लोगों को, वो समझ नहीं पाते कि कितना महान व्यक्तित्व है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, और केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबी श्रृंखला ऐसे नेताओं की है। आप देखेंगे भविष्य में ऐसे लोग, और हम आज उनके निधन पे हम ये संकल्प सभी कार्यकर्ता लेंगे कि हम उनके बताए हुए, उनके किए हुए कर्मों के आधार पर चलें, तो शायद सच्ची श्रद्धांजलि हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल, अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उनके बताए मार्ग पे अगर पूरा देश चलता है, पूरी पार्टी चलती है, राजनीतिक दल के लोग उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमें लगता है कि हर घर, भले ही अटल जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि देश के हर कोना कोना में, हर गांव गांव में, हर शहर शहर में अटल जी
जरूर होंगे। देख रहे हैं कि पूरा देश मरमाहत है और सिवान जैसे छोटे शहर में भी जगह जगह आज सुबह से लेकर के शाम तक लोगों ने अपने अपने हिसाब से अटल जी को श्रद्धा सुमन अंतिम उनको अर्पित करने के लिए वो सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी रेड क्रॉस ग्राउंड में कई लोगों से बातें, देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, कुछ बातें शायद आपकी अधूरी रह गई। मैं हम लोगों ने एक प्रार्थना सभा किया सुबह में, ग्रैपलिंग टीम हम उसके अध्यक्ष हैं, एक बात कहना मैं भूल गया था। हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि हम भारत के लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, तो हम लोगों ने ईश्वर से ये प्रार्थना किया है कि अटल जी का पुनर्जन्म भारत में हो और वो माँ भारती की सेवा में पुनः लगें और माँ भारती को परम वैभव पहुँचाने में अपना योगदान दे, ऐसी कामना हम लोगों ने पुनः किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे देश की मांग है कि अटल जी पुनर्जन्म, अगर पुनर्जन्म में वाकई विश्वास है लोगों का तो अटल जी को चाहिए कि वो पुनर्जन्म लें, इस देश में लें, भारत की उस मिट्टी में लें, और जो भी शायद उनके कुछ अगर कार्य अधूरे रह गए हैं इस देश को संभालने में, इस देश को आगे ले जाने में, तो वो शायद दूसरी बार आकर के अटल जी अवश्य पूरा करेंगे। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले। सुधीर जी भाजपा के एक नेता है हमारे साथ, सुधीर जी क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ी क्षति हुई है इस देश को, आपकी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए मुंह में कोई जुबान नहीं है कि ये उसी तरह स्थिति हुई जिस तरह किसी बेटे के सर से पिता का साया छीन जाए, ठीक उसी तरह वाजपेयी जी गुजर गए, पिता का साया हम लोग के सर से चला गया और इस क्षति को शायद जुग जुग तक पूरा न किया जाए जो क्षति पूरे देश को हुई है। वाजपेयी जी देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता थे, जन जन के नेता थे, आज पूरी दुनिया रो रही है वाजपेयी जी के लिए, कोई शब्द नहीं है कि उनके लिए बोला जाए, मगर एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे कि भारत के अंदर जो कुछ वाजपेयी जी कर गए शायद भविष्य में कोई कर पाए कि नहीं कर पाएगा ये विडंबना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह के इच्छा शक्ति रखते थे वाजपेयी जी, उस इच्छा शक्ति की आज कितनी जरूरत है इस देश को, सुधीर जी आप तो बहुत राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, उस इच्छा शक्ति की कितनी जरूरत है? मुझे याद है पहली बार 13 दिन की वाजपेयी जी की सरकार बनी थी और जब उनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने कहा था कि बहुमत के लिए मैं किसी के पैर नहीं पड़ूंगा, मुझे देश चलाना है, किसी व्यक्ति को नहीं चलाना है, इसलिए मेरे पास बहुमत नहीं है और मैं राष्ट्रपति जी के पास जा रहा हूं अपना इस्तीफा देने के लिए, एक वोट के लिए। ये वाजपेयी जी की बहुत बड़ी उपलब्धता है, उन्होंने वोट को नहीं देखा, राष्ट्र को सर्वोपरि माना, यही कारण है कि वाजपेयी जी के लिए आज पूरी दुनिया रो रही है। मैं उनके विषय में एक शब्द कहना चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्हीं के रहम कर्म पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं जो वाजपेयी जी कर गए। मुझे याद है कि रात को 12 बजे राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद जो देश की स्थिति हो गई, उस स्थिति में पूरी दुनिया ने भारत को नकार दिया, फिर भी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ और मजबूत रही और मूल्यों का कीमत जो है बिल्कुल कांटे के तरह खड़ा रहा और बिल्कुल शक्ति रूप में उन्होंने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत भी एक परमाणु शस्त्र शक्तिशाली देश है और मैं इसके परमाणु शक्ति के प्रयोग में दुनिया के किसी भी चाहे कितने बड़ी बड़ा देश हो उसके सामने झुकने को कतई तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा कि अटल जी की एक एक बात को एक एक व्यक्ति रख रहा है, अपने तरीके से रख रहा है और अटल जी बिल्कुल अटल आत्मविश्वास के धनी थे। जब वाकई जिस समय पोखरण में उन्होंने परमाणु विस्फोट किया था उस समय पूरे विश्व में ये विस्फोट हो गया था और लोगों को लगा कि भारत इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कैसे,
और ऐसे थे अटल जी हमारे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? 80 साल के राजनीतिक जीवन में अटल जी ने सिर्फ भारत देश को ही नहीं, सिर्फ अपनी पार्टी को ही नहीं, विश्व के जनमानस में अपनी जो कीर्ति स्थापित की है वो हम भारतीयों के लिए गौरव गाथा है। हमें अपना पूर्ण विश्वास है कि भूतो न भविष्यति, न पहले कभी ऐसा व्यक्तित्व हुआ था, न आगे होगा, न भविष्य में होने की हम उम्मीद करते हैं। हम यही कामना करते हैं कि भगवान हम सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को इनकी अपूर्ण क्षति सहने की क्षमता प्रदान करे। इन्हीं शब्दों का जी एक चीज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 89 में वाजपेयी जी सिवान आए थे और सिवान के एक आप ही के बिरादरी के व्यवसायी थे ओमकार मल सरैया, उनके यहाँ कुछ देर के लिए ठहरे हुए थे। आपने भी देखा होगा कैसा उस समय का आलम था सिवान का, हम आपसे सुनना। आलम तो बहुत भयावह था, कोई किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता था। उस समय अटल जी ने आके उस परिवार को, जो कि पूर्णतः हिंदुत्व के लिए, समाज के लिए समर्पित था, आकर उन्होंने जो ढांगना बंधवाई, जो सांत्वना दी, वो हम सभी सिवान वासियों के लिए, हम सभी परिवार वालों के लिए एक अपूर्णीय गाथा है। हम अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा से नमन करते हैं। पूरा देश आज गंभीर है, आंसुओं में डूबा हुआ है, लोगों के पास शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए, और सभी व्यक्ति सिर्फ अटल जी, अटल जी, अटल जी। हम तो यही कहेंगे कि ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, क्योंकि आज आपकी इतनी ज़रूरत है इस देश को, ये मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा। क्या कहना चाहेंगे? आज अटल जी हम लोगों के बीच में भी हैं और उनको सदा सुमन अर्पित किया गया अभी आपके रेड क्रॉस भवन में। क्या अटल बिहारी वाजपेयी का पर्सनालिटी ऐसा था कि वो किसी एक दल के नहीं थे। आज आप देखिए कि सारे दल के लोग उनके मकान पर जाके अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, और हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस तरह के आज के राजनीति में व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिस पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, और हर दल के लोग उसमें उनके जो अंतिम यात्रा है उसमें शामिल हुए थे। तो हमारे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी ये एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति, हमारे सदस्य, पत्रकार बंधु, सब लोग, डॉक्टर्स लोग आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। बिल्कुल, सभी जो जहाँ है वहीं पे अपने इस सर्वमान्य नेता को सलाम कर रहा है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, और ये सिलसिला आज दिन भर चलेगा। लगभग 1:30 बजे से उनकी शव यात्रा आरंभ होगी और लगभग 5 बजे वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, और पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है। एटीएन न्यूज अपने इस दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। पूरा एटीएन परिवार अपने इस अपूर्णीय क्षति पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उस वक्त कहां थे हम, कहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम